लोगों के सामने बात करने से घबराहट होती है। बेस्ट एंकर और बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। एंकर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? वेल, अगर यही सारे सवाल आपके दिल में और मन में चल रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आई एम वेरी मच श्योर आपके बहुत काम आने वाली है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगी। Well, before starting the video, I would like to introduce myself. My name is Anchor Kanishka Gola. मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 5 साल से हूँ, दिल्ली बेस्ड एंकर हूँ और 200 से ज्यादा इवेंट्स मैंने होस्ट करे हैं, which is the successful part. I am really glad कि आज के यंगस्टर, आज के बहुत सारे लोग एक सक्सेसफुल एंकर, एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। वेल, यही सारी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू बिकम एन एंकर। तो चलिए बेस से शुरू करते हैं। बेसिकली एंकर होता क्या है और किस किस नाम से जाना जाता है? एंकर होता है एक पब्लिक स्पीकर, राइट? एंकर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंकर को बोला जाता है होस्ट, एंकर को बोला जाता है एमसी, एंकर को बोला जाता है एंटरटेनर और एंकर को बोला जाता है एंकर। सो बेसिकली एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर का मतलब होता है सूत्रधार। सूत्रधार यानी आपने मोतियों की माला तो जरूर देखी होगी। मोतियों की माला, जिस माला के अंदर मोती पिरोए होते हैं, वो होता है सूत्र यानी कि धागा। उसी तरीके जैसे धागा होता है, जो धागे का काम होता है, वैसे ही एंकर का काम होता है। धागा जैसे मोतियों को इकट्ठा करके रखता है, वैसे ही एंकर का काम होता है अपनी ऑडियंस को इकट्ठा करके रखने का। वेल, अब बात आती है कि एंकर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले तो ये जान लो एंकर यानी एमसी होता क्या है। एमसी का मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी। अब मास्टर ऑफ सेरेमनी जो एक इवेंट को कंडक्ट करता है, इवेंट को होस्ट करता है, राइट? एंकर और एमसी दोनों सेम होते हैं। इट्स नॉट इनसी, इट्स एमसी, राइट? प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। नाउ एक पब्लिक स्पीकर, एक एंकर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और टॉप मोस्ट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संचार कौशल, बोलचाल का ढंग। अब ये जान लेते हैं कि ये क्यों जरूरी है। एक एंकर के लिए उसकी भाषा बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसका बोल चालने का ढंग, उसकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, अच्छी साउंडेड वॉइस होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम भाषा की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि अरे यार, हिंदी और इंग्लिश में तो मेरी टांग टूटी पड़ी है, या फिर मेरी एक लैंग्वेज वीक है, या फिर मुझे बोलना नहीं आता, मैं डरता हूं, मैं क्या करूं? तो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। आपको करना क्या है? बीइंग एन एंकर, बीइंग एन एमसी, आपको अपनी भाषा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, तो ऑलवेज आपकी बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आप भारत में रहते हो, आपको इंग्लिश और हिंदी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी सेकेंड। अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे साउथ इंडिया है, वहां पे तमिल और तेलुगु बोली जाती है, और तमिल और तेलुगु के अलावा वहां पे अगर तीसरी लैंग्वेज जो रिटेन की जाती है वो होती है इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं वहां पे, या इंग्लिश समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, आप एक सोशल फंक्शन होस्ट कर रहे हैं और वहां पे आप इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, पर आपकी ऑडियंस जो बैठी है वो आप हिंदी समझती है, तो क्या आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं। इसी तरीके से अगर आप सोच लीजिए, आप एक कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रहे हैं और वहां पे 50% रेशो इंग्लिश का है और 50% हिंदी का है, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? आप यूज करेंगे मिड ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि आप अपनी भाषा को आप ट्रांसलेट करेंगे। आप जो चीज इंग्लिश में बोल रहे थे वही चीज आप हिंदी में बोलेंगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव अटेंशन प्लीज, वेल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एंड दिस कंपनी। ये हो गया इंग्लिश। अब बात आती है हिंदी की। आए हुए सभी मेहमानों और अतिथियों का मैं इस कंपनी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये हो गया हिंदी वर्जन, यानी कि आपको भाषा करनी है ट्रांसलेट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक कैसे करें? कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक रामबाण उपाय है, वो है रीडिंग। रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, रीडिंग ऑफ बुक्स, रीडिंग ऑफ न्यूज, व्हाटएवर यू आर रीडिंग, जस्ट रीड। अब आपको करना क्या है? जब भी आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपकी होती है जुबान साफ। जब आपकी जुबान साफ होगी तो आपकी शब्दों पे पकड़ अच्छी बनेगी, और साथ ही साथ में जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो चीज हमें याद रह जाती है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, पढ़ो, क्योंकि ये आपने बहुत पहले के लोगों के मुंह से भी सुना होगा। जितना अच्छा हम पढ़ते हैं, जितना हम पढ़ेंगे उतना अच्छा हम बोलना जानते हैं, राइट? जब हम रीड करते हैं चीजें तो उससे हमारी
जीवान साफ होती है, उससे हमारी वर्ड्स पावर बढ़ती है, और जब हमारी वर्ड्स पावर बढ़ेगी तो हमारी प्रोनंसिएशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। दिस इज इट। वेल, अब आपको करना क्या है, आपको करना है पढ़ना है न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, हिंदी और इंग्लिश का, दिन बांध लो कौन से दिन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर से पढ़ना तो आपको ये है, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ रीडिंग। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ट्राई टू स्पीक लाउड, आप लाउड पढ़िए, चिल्लाना नहीं है बट हाँ लाउड पढ़ना है। लाउड पढ़ने का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज को लाउड पढ़ते हैं तो उससे हमारा शब्द जो होता है उस शब्द की प्रोनंसिएशन हम ठीक से कर पाते हैं, और जब प्रोनंसिएशन ठीक से कर पाते हैं तो हमें समझ आता है, खुद से सेल्फ एनालाइज होता है कि चीजें सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो ट्राई टू स्पीक लाउड, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। ये प्रो टिप मैंने आपको बता दी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए। वेल, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंकर बनने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एंकर बनने के लिए और क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है, किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या सीखने को मिला है। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @anchorkanishka, सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बट yes, सम नोटिफिकेशन के लिए आपको स्टोरीज पे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी क्या न्यू आने वाला है। साथ ही साथ में आपको अगर मेरे कोई शोज की वीडियो देखती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देख सकते हैं, IGTVs में कुछ वीडियोस है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल शोज होस्ट करे हैं, सो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वेल, आई एम नॉट श्योर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम वेरी मच श्योर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीकर बनकर निकलेंगे, सो जस्ट वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।